जय हिंद बच्चों, विमर्श के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जिन बच्चों के अभी पेपर हो चुका है यूपी पुलिस री एग्जाम, सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, सबका पेपर अच्छा गया। लेकिन बच्चों बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे अच्छी तैयारी में थे, तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारी पूरी टीम है, और अपने सब्जेक्ट में उन्होंने एनालिसिस किया और बताया कि हद से हद या ज्यादा से ज्यादा बच्चा कितने कर का सकता है जिसकी अपनी एक अच्छी तैयारी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में यानी कि मैं खान सर, मैंने हिंदी पढ़ाई है, तो बच्चा जो ज्यादातर बच्चे जिनका अच्छा स्कोर है वो तीसरी इसमें सही कर पाए होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पे स्कोर नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं आगे बच्चा मैथ। तो मैथ की बात करें तो ब्रिजेश सर हैं जिन्होंने आकलन किया, तो जो अच्छा बच्चा तैयार था उसके लगभग कितने 12 क्वेश्चन सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो बात करें बाद में जीके जीएस में, तो यहाँ पे देवेंद्र सर हैं, अखिलेश सर हैं, हेमंत सर हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसमें कितने कर सकते हैं, तो उनका स्कोर आया बच्चों 25 क्वेश्चन का। बात करें उसके बाद बच्चों रीजनिंग, जो मुनेन सर द्वारा यहाँ पे एनालिसिस किया गया और उन्होंने बताया कि ज्यादातर बच्चे 40 तक यहाँ पे सेफ है, उसके ज्यादा नहीं कर सकते। तो बच्चों टोटल को मिला के जो बेस्ट गैस यहाँ पे दिया है टीचरों ने, कि यहाँ पे पूरी टीम ने बताया कि यहाँ तक कि बच्चों का कितना स्कोर सही है और मेरिट कहाँ पे जा सकती है, तो बच्चों बात करें तो वहां पे स्कोर बन के आया 107। कितना 107 आया है। अगर बात करूं बच्चों मैंने अपनी मन से बताया यहाँ पे 105, तो 105 107 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेरिट कहाँ पे कितने नंबर पे जाने वाली है। तो हमने जो तमाम माध्यम थे बच्चों सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चों से जानकारी ली, तो वहां पे उसका एनालिसिस किया और उसके बाद जाना कि यहाँ पे मेरिट कितनी जा सकती है। तो बच्चों बात करें यहाँ पे मेरिट, देखिए मेल की बात करें तो प्लस माइनस 5 हो सकता है, क्योंकि बच्चों बिल्कुल सटीक हमें भी पता नहीं होता, हम भी एनालिसिस के आधार पे आपको मेरिट बताते हैं। तो बात करें बच्चों जनरल मेल्स की, तो बच्चों 205 से 210 मेरिट जा सकती है, ठीक है, 5 का प्लस माइनस होगा। उसके बाद बच्चों बात करें ईडब्ल्यूएस 200 से बच्चों 205, और यहाँ पे जनरल की 205 से 210 ही बच्चा, ओबीसी 200 से 205 तक। देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग ऊपर नीचे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं बच्चा, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पे एससी मेल की बात करें 190 से 195 नंबर उसके सही होंगे, तो बच्चा यहाँ पे फिजिकल के लिए अगले अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी की बात करें बच्चों 170 से 175। अब उसके बाद बच्चों बात करते फीमेल की, तो फीमेल के यहाँ पे जनरल पे कितने नंबर आने चाहिए 185 से 190 के बीच यहाँ पे। उसके बाद बच्चों 180 से 185 कौन से यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी फीमेल के लिए 180 से 195, एससी फीमेल के लिए 170 से 175। बात करें बच्चों एसटी फीमेल के लिए 150 से 155 तक। बच्चों ये मेरिट हमने आकलन की है, जो एनालिसिस किया है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके सभी के नंबर होंगे, आप सेफ होंगे, तो बच्चा धीरे धीरे अपनी फिजिकल की भी तैयारी कर दीजिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो बच्चों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।